से बना हो। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सर मुझे बोले बोले डोंट बी Yogi ji, we all respect you. Please, you feel, we shall certainly look into it. Actually, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादे पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा, मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया गया, आपने पाले के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम आर कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे, सरकार किसकी है, तकलीफ में हो, ये माफिया है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, भी दूर का अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती, आप क्या है नहीं सुनेंगे इनकी बात, ये तो आप कब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था, ये तो अध्यक्ष महोदय ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं, इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, मैं सच नहीं कहा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ बोली
सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी आपकी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था, और यही नहीं 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं, और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और